इस लॉकडाउन में जहां जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दवा की दुकानें खुलने की भी अनुमति प्रदान की है, लेकिन कुछ एक दवा की विक्रेता ऐसे हैं जो ऊंची कीमतों पर दवा का बिक्री ग्राहकों को कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्राहकों में काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। ऐसी एक घटना बिहिया में देखने को मिला, जहां पर दवा विक्रेता ऊंची दामों पर ग्राहकों की दवा बेच रहा है। इस संकट की दौर में अगर दवा विक्रेता ऊंची कीमतों पर दवा का बिक्री करें तो उसे आप क्या कहेंगे? ऐसी एक घटना बिहिया में देखने को मिला, जहां पर एक दवा दुकानदार ज्यादा दामों पर दवा की बिक्री करते पाया गया, जिससे ग्राहकों में काफी ही आक्रोश है। ग्राहकों का कहना है कि ज्यादा पैसा दुकानदारों के द्वारा ली जा रही है। क्या समस्या है अभी मेडिकल दुकान पे आपकी? अभी मैं एक आदमी के साथ दवा के लिए गया, वह जयनाथ शर्मा मिसर्स मेडिकल है। वहाँ के सेल्समैन ने कहा कि 80 रुपये का एक पता लेंगे, जमुआ गांव के रमेश्वर सिंह यादव रहने वाले हैं, उनके पास 5 या 10 रुपया था, वे दर्द की दवा लेने के लिए गए थे, वे 80 रुपया का पता दे रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उनकी दुकान खुले तो उचित रेट पर दें, और नहीं खुलना हो तो उन पर उचित कार्रवाई की जाए। लाइसेंस भी नहीं है दुकान में लॉकडाउन में खुलने की, फिर भी वो दुकान खोल के बेच रहे हैं? बेच रहे हैं जी। ठीक है, परिचय बताइए अपना। मेरा नाम प्रोफेसर सिया राम यादव, प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल, सह विधायक प्रतिनिधि भी है।